शारदीय शिवरात्रि मेले में शिरकत करने के लिए सोमवार को बड़ादेव कामरूनाग मंडी जनपद में पहुंच गए हैं। बड़ादेव कामरूनाग के स्वागत के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ सैकड़ों लोग वहां पर पहुंचे। बड़ादेव कामरूनाग के मंडी पहुंचने पर सबसे पहले राजमहल माधवराव मंदिर में उन्होंने अपनी हाजिरी भरी और उसके बाद राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजमहल में मंडी जनपद के आराध्य देव देव कामरूनाग का राजा आमेश्वर सिंह ने स्वागत किया। इसके बाद देव कामरूनाग अपने लाभ लश्कर के साथ टारना माता मंदिर के लिए रवाना हो गए हैं। देव कामरूनाग 7 दिनों तक टारना माता मंदिर में ही विराजमान रहेंगे। बड़ा देव कामरूनाग के पहुंचने से छोटी काशी मंडी देवमयी हो गई है। वहीं इस दौरान देव कामरूनाग के दर्शनों के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी बाजार में उमड़े हुए थे। आज हमारे प्रमुख देवता जैसे कामरूनाग जी, बोला रिंगल जी, जाति जी, सुदेव थट्टा, जगांडू, गौरामुखी, बूढ़ी भैरव आज मधुरा के पास प्रवेश करेंगे और माननीय अभियुक्त जिला मंडी अरविंद चौधरी जी इनका स्वागत करेंगे। इस समय कामरूनाग जी पहुँच चुके हैं और अन्य देवता आ रहे हैं जिनका स्वागत हम 3:30 पहुँचा तक चेक कर लेंगे। आज बार महोत्सव में कितने देवी देवताओं को जो है निमंत्रण दिया गया है, क्या कुछ नए देवी देवता भी जुड़े गए हैं और कब कब जो है वो कौन कौन यहाँ पर आ रहे हैं? सभी हमारे 216 पंचकृत देवी देवता है, 216 पंचकृत देवी देवताओं को निमंत्रण दिया हुआ है प्रशासन ने। अन्य दूसरा कोई भी देवता इस साल कोई भी नया रजिस्टर नहीं किया हुआ है, पंचकृत नहीं किया हुआ है, क्योंकि इस साल एक तो हमारे पास थोड़ी ग्राउंड की अभाव था, दूसरा देवता को ठहरने का अभाव था, इसलिए साल हमने इसको प्रक्रिया को नहीं किया कि देवता पंचकृत किया जाए। बता दें कि बड़ा देव कामरूनाग को बारिश का देवता भी कहा जाता है। शिवरात्रि महोत्सव में जितने भी देवी देवता शिरकत करते हैं उनमें से बड़ा देव कामरूनाग ही ऐसे देवता हैं जो टारना माता मंदिर में 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं। टारना माता मंदिर में ही बड़ा देव कामरूनाग अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मंडी जनपद में इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2 से 8 मार्च तक मनाया जा रहा है। 2 मार्च को CM जयराम ठाकुर पहली जलेब में शामिल होकर अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करेंगे।